ओम नमः शिवाय। प्रभो मी सम नी सम हे सगुणं गुणही नमहि सम गलाभरणम् रण निर्जित दुर्जय दैत्यपुरम प्रणमामि शिवम शिवकल्पतरुम। से ही परम पिता आनंदमय आशुतोष प्रभु भगवान शिवंकर जो गुण कीर्तन प्रसंगरे त्रिनयनर मुख्य प्रसंग प्रसंगरे आजीर प्रसंग हेउची वेदरे शिवतत्व। ये समग्र संसार सृष्टिकर्ता हेउचंती परम ब्रह्म स्वरूप परम पिता प्रभु विरूपाक्ष विश्वनाथ। शायणाचार्य जेतेबेले तांकर वेद को व्याख्या करुचंती से कहउचंती ए वेद आसिला केउठू। वेद हेउची अपौरुषेय, वेद को कौनसी व्यक्ति रचना करिनाहंते, किंतु ए वेद जहार निश्वास स्वरूप से हेउचंती स्वयं विद्या तीर्थ महेश्वर। तेणु सायणाचार्य तंका व्याख्यार आरंभ रे महेश्वर जे कि वेदर स्रष्टा जहांकर निश्वास हेउची वेद से कथा कही कहउचंती, जस्य निश्वसितम वेदा जो वेदेभ्यो खिलम जगत निर्ममे तमहम वंदे विद्या तीर्थ महेश्वरम। अर्थात जहांकर निश्वास स्वरूप जस्य महेश्वरस्य निश्वसितम वेदः, जे महेश्वरंकर निश्वास स्वरूप हेउचि वेद एवं वेदेभ्यो अखिलम जगत, ये समग्र जगत, ये सांस्कृतिक जगत हेउ बा सारस्वत जगत हेउ बा सामाजिक जगत हेउ लौकिक जगत हेउ, ये समग्र दृश्यमान चराचर जो वेदक ठारु तैयारी होइछि बा निर्मित होइछि, जे तैयारी करिछंती निर्माण करिछंती सही निर्माता तमहम वंदे तांकु मु वंदना करुची, जे होचंती विद्यार अवतार। वेदर अर्थ कौन? वेद आज को केते वर्ष तले आविर्भूत होइथिले तार आदिमंथ ऐतिहासिक माने प्रमाण दे परुनांती, किंतु व्यासदेव जेतेबेले ताकु संकलन करिथिले जे व्यास होउचंती ज्ञानर मूर्ति नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार बिंदा यतपत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप। से ही व्यास प्रथमे यही चारि वेद को संकलन करी समग्र भूखंड रे भारत भूखंड रे से ज्ञानर प्रदीप को प्रज्वालित करथिले। तेणु से जो वेद से होची स्वयं ज्ञान, ज्ञानर मूर्ति विद ज्ञाने यही धातुरु घय प्रत्यय होकर वेद शब्द निष्पन्न होता है। तेणु वेदर अन्य नाम हेउची ज्ञान एवं से ज्ञानर मूर्ति हेउचंती शंभु बा शंकर। तेणु तंग विद्या तीर्थं महेश्वरम से ही वेद, से वेद गोटे हेउची से शिवर स्वरूप ज्ञानर स्वरूप। वेदरे बारंबार बारंबार शिवंकर तत्व एवं जहाँ कि रुद्र तत्व भाव में वर्णित होती, जेतेबेले आम संकल्प करुचु सेतेबेले से शिव को आम स्मरण करिचु। पूर्वर आम सूचना देतुलु शिव हूँ मंगलमय, शिव हूँ आनंदमय, शिव हूँ समस्त कल्याण साधक सिद्धि प्रदायक। तेणु जेतेबेले आम संकल्प करुचु गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु, सेतेबेले आमर संकल्प आमर मनोभावना आमर चिंता आमर चेतना शुद्ध हेउ शिवमय हेउ जनकल्याणकारिणी हेउ। एक कथा को विचार करी वेदरे कह जाइछि, ऋग्वेदरे कह जाउछि, जज्जाग्रतो दूर मुदेति दैवम तदुसुप्तस्य तथैव इति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एहिपरि भावरे गोटे शिव संकल्प संज्ञान बा सुक्त गोटे रहिछि जेउथरे कि आमर संकल्प आमर चेतना आमर भावना सबु संकल्प सबु शिवमय हो कल्याणमय हो। तेणु शिव हेउचंती विभिन्न प्रकार रे वेदरे से जेबळी भावरे देवी से हेउचंती जणे से महामाया विश्वम भ्रमयति परम ब्रह्ममयसी तुरिया कापित्वम दुरधिगम निसीम महिमा। से ही शक्ति से दुर्गा से जेबळी भावरे वेदरे बाबा मार्कंडेय पुराण रे बा विभिन्न पुराण रे विभिन्न प्रकार रे वर्णित होती,
केतेबेले प्रातर जासा कुमारी कुमुदा कलिकया जप्य मालाम जपन्ति मध्याह्ने प्रौढ़ रूपा विकसित वदना चारु नेत्रा विशाला संध्यायां वृद्ध रूपा गलित कुचजुगा मुंड मालाम वहन्ति शा देवी देव देवी त्रिभुवन जननी चंडिका पातु जुस्मान। सेही दुर्गा चंडिका प्रातः काल रे गोटिए रूप, मध्याह्न रे गोटिए रूप, संध्या रे गोटिए रूप, एवं से मध्य केतेबेले शाकंभरी, केतेबेले रक्तदंतिका, केतेबेले महाकाली, केतेबेले महासरस्वती, केतेबेले महालक्ष्मी, ठीक सही भली भाव रे। किंतु तत्व एक, से होचि शक्ति तत्व। सही भली भाव रे वेद रे मध्य करा जायचि सही परम ब्रह्म शांत कांत प्रशांत तत्व अद्वैत तत्व जे कि एकंशत विप्रा बहुधा वदन्ति, से होचि गोटिए सत्य। से गोटिए सत्य होचि शिव सत्य, शिव तत्व जहाठारु कि ये समग्र जगतर उत्पत्ति हेचि जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तेणु तार जो विभिन्न रूप, विशेष कर जो रुद्र रूप नुहे जे केवल क्रोधारुणित रयन रे जेतेबेले निजर भाव को प्रकाश करुचंती शिव ताहि केवल रुद्र रूप। रुद्र रूपर विभिन्न प्रकार गुण रही शिवंकर से जो रुद्र अवतार रुद्र रूप को विभिन्न प्रकार वेद वर्णना करा जाइछि। रुद्र स्वरूप रेगु ऋग्वेद एक तेजियान बलवान शौर्युक्त रूप भाव क्रांतदर्शी कवि भाव उपस्थापन करा जाइछि। ऋग्वेद कहुचंती ज शुक्र इव सूर्यो हिरण्य विवरोचते श्रेष्ठो देवानां वसुः, देवता मानंक मध्यरे जे श्रेष्ठ जी होचंती शुक्र भली जने क्रांतदर्शी कवि एवं जी सूर्य भली तेजियान। एही भली भावरे से रुद्र रूप शिवंकर जो रुद्र रूप ऋग्वेद रे वर्णना करा जाइछि। भक्त मंडली वर्तमान एही वेद रे शिव तत्व आशुतोष परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूपंकर जो वर्णना वेदरे रही से गौरव गाथा वर्णना आपणकर अव्याहत रहिब। वर्तमान गोटे छोटिया विरति आम नवा। विरति परे हे भक्त मंडली पुणी आपण मानको अभिनंदन एवं स्वागत। आज तेजियान हेउचंती रुद्र सूर्य भली तेजियान कोटि सूर्य समप्रभ एवं ता सहित मध्य से हेउचंती जने विशिष्ट वैद्य विशिष्ट चिकित्सक धन्वंतरिंकर बहुपूर्वरु जे कि चिकित्सा विज्ञान को ये भूपृष्ठ रे लोकप्रिय करै पारिथिले। से हेउचंती से ही प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप शिवंकर जे होचंती एक रूप रुद्र जहाँ को वर्णना करा जाइछि ऋग्वेदर चिकित्सक भावरे। हातरे औषध पात्र से धरि थांति सबुबेले क्वास्यते रुद्र मृडया कुहु हस्तो जो अस्ति भेषजो जलासह, अर्थात जलयुक्त जलासह माने जल औषध युक्त सायण व्याख्या करिचंति। शिवंकर जे औषध केवल मात्र टिके पाणी शिव पाद उदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, शिवंकर जो पाद उदक ताकु जो माने पान करिथांते तांकर पुनर्जन्म न थाए, तांकर कौनसी रोग व्याधि किछि न थाए, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कौनसी दुखरे से दग्धीभूत हुअन्ति नाही। तेणु से होचंती सेई शिव जे होचंती जलासह औषधम जल रूपक औषध को जे गोटे पात्र रे अमृतमय पात्र रे धारण करिकिरी ए समय ए संसार रे से आसी थांति। सेई ऋग्वेदर मध्य पूर्णी वर्णना करा जाइछि जे से होचंती संहारक जेभलि देवी को आमे कहिचु देवी मध्य संहारकारिणी देवी मध्य कल्याणकारिणी सर्वा बाधा प्रशमनम जे कि समस्त बाधा को प्रशमन करि दे थांति। दान बुद्धा बाधा जेतेबेले ए भूपृष्ठ रे जाग्रत होइथाय जेतेबेले आविर्भूत होइथांती दानव माने एवं तांकर बाधा रे जेतेबेले समस्ते व्यथित होइ पड़ंती देवता माने सेतिके बेले मा आसीथांती गोटे महाकाली भाव रे। प्रातर भजामि प्रातर नमामि महिषासुर चंडमुंड सुंभासुर प्रमुख दैत्य विनाश दक्ष्याम। सुम्मा महिषासुर चंड मुंड सुंभ निशुंभ इत्यादि मानंकु जेमिति से विनाश करिबा पई आसी थांती ठीक सही भली भाव रे संत जन मानंकु रक्षा करिबा पई मुनि ऋषि मानंकु रक्षा करिबा पई देवता मानंकु रक्षा करिबा पई दंभ दर्प अभिमान क्रोध परसुता युक्त जो दानव मानंकु विनाश करिबा पई रुद्रंकु वेद रे गोटिए संहारक वेश रे मध्य
वर्णना करा जाइछि संहारक रूप रे मध्ये रुद्रो वै क्रूरो देवानाम रुद्र हेउचन्ति सेइ क्रूर किंतु सेइ शिव से हेउचन्ति से क्रूर दानव मानक पई किंतु देवता मानक पई साधारण लोक पई ये समग्र विश्व ब्रह्मांड पई से हेउचन्ति परम ब्रह्म स्वरूप से हेउचन्ति मंगलमय से हेउचन्ति शांत कांत प्रशांत से हेउचन्ति अत्यंत उदात्त एवं जहांक ठारु जन्म नैचन्ति से ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महेश्वर हेतंति संपूर्ण प्रथम से हेउचन्ति सदाशिव तेणु आम जिते गुरु वंदना करूँ प्रथम तत्व हूँ सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा प्रथम गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरु हूँ आमर महेश्वर एवं चतुर्थरे ऋग्वेदरे शिवंकु सर्वश्रेष्ठ वीर अर्थात तंकर जो रुद्ररूप से रुद्ररूप होउचंती दैत्य मानंकर संहारक जने बड़ चिकित्सक जने तेजियान व्यक्ति एवं ता सहित से होउचंती सर्वश्रेष्ठ वीर भुवनस्य पितरम गीभिराभि रुद्रम दिवा वर्धय रुद्र भक्तौ से धारण करिचंती खड्ग धारण करिचंती वज्र धारण करिचंती धनु एवं विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र रे से आसीचंती एवं से जो अस्त्र से अस्त्र हेउची देवता मानंकर धारयन्त्यायुधा नित्यम देवानां च हिताय वै देव मानंकर देवता मानंकर हिता हितमा पाई एवं जो माने दुख दुखित जो माने होउचंती व्यथित से मान अवहेलित से मानंकर कल्याण निमंत से कल्याण निमंते से अर्थ से अस्त्र को से धारण करिचंती एवं तापरे परम कारुणिक पिता परम पिता हेउचंती से शिव जहांकर अवतार जहांकर एक स्वरूप हेउची रुद्र तेणु तांको परम कारुणिक पिता भावरे वर्णना करा जाइछि वेदरे ए प्रसंगरे गोटे अत्यंत रोचक रमणीय उपाख्यानटिए वर्णना करा जाइछि दीतिंकर जेतेबेले पुत्र सबु दैत्य मानंकु इंद्रबद्ध करिदेले सेतेबेले दीति तांकर दैत्य मानंकर जननी दीति अत्यंत दुखरे म्रियमाण होई पड़िले एवं सेदिन से प्रतिज्ञा नेले जे मोर गर्भरु एभळि एक संतान जन्म लाभ करैबी एभळि एक संतान मु उत्पन्न करैबी जो संतान इंद्र को बद्ध करिबा संगे संगे समग्र देवता कुळकु मध्य निश्चिन्न करिदेव ए कथा को भाभी तांकर स्वामींकर औरसरु निजर गर्भरे जेतेबेले एक पुत्र संतान को धारण कले ए कथा जानी पारिले वज्रधारी इंद्र जेतेबेले जानिले सेतेबेले से तांक वज्र को प्रेषण करी दीतिंकर गर्भरे थिबा संतान को सात खंड करिकिरी गर्भरु बाहर को नै आसिले जे मूलरु माइले जीव सरी देवंक सांगरे किंपा कळी तेणु गर्भ नष्ट करिबा पई सात खंड करि बाहर पकाई देले एवं तापरे पुणी देखिले काले देबे सात खंड भितरु किए आउ थे बंची जाई पारंती कि कौन पुणी ताकू खंड खंड करी आउ चारि खंड करदे एगार खंड रहीगला एगार खंड जतेबेले पढ़ी समय रे आसुचंती जगत पिता शिव एवं जगन्माता पार्वती उभय एक लीला विहार रे आसुचंती उभय आनंदर एक मुहूर्त रे चालुचंती जतेबेले जाउचंती सेई बाट देकिरी पार्वती देखुचंती खंड खंड होइकिरी गोटिए संतान रे एगार खंड पड़ी तेणु से परम पिता जगत पिता शिवंकु से अनुरोध कले प्रभु आपण तो मृत्युंजय मंत्र दे पारंती आपणकर आशीर्वाद रे तो जने व्यक्ति जीवन लाभ कर दे पारे आपण ए जो एगार खंड मांस छटपट होची ताकु आपण जीवन न्यास दियंतु पार्वतींकर अनुरोध रे शिव सांगे सांगे सेठारे रही जीवन न्यास देले मृत्युंजय मंत्र पाठ करिकिरि जेतेबेले जीवन न्यास देले एगार जन सेठी आविर्भूत होइगले से एगार जन हेउचंती एकादश मरुत रुद्रंकर पुत्र तेणु रुद्रंकु मरुत पितरम बिलिकिरि वेदरे वर्णना करा जाइछि से हेउचंती त्र्यंबक ए विषय रे से परम कारुणिक शिव वर्णना करा जाइकिरि कहा जाऊँ जे दृष्ट्वा परव्यथाम संत उपकुर्वन्ति लीलया द्वितीयर गर्भव्यथाम हृत्वा रुद्रोभूत मरुताम पिता जे रुद्र होइगले मरुत मानंकर पिता से समस्तंकर गर्भवेदना को से जानी पारिकिरी एवं दीतिंकर जो हृदयर व्यथा को से दूर करदे पारिथिले तेणु रुद्रंकर स्वरूप से परम कारुणिक स्वरूप एवं रुद्रंकु मध्य
त्र्यंबक भाव रे जन्मग्रह त्र्यंबक भाव रे वर्णना करा जायची उपस्थापन करा जायची वेदरे जो प्रसिद्ध मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात मृत्योर्मुखी अमामृतात। ये होची त्र्यंबक अर्थात तीन गोटी नेत्र युक्त त्र्यंबक अर्थात त्रिलोकर जी अंबक माने पिता से मध्य होती तिनि कालर जी होचंती स्रष्टा द्रष्टा से कालातीत प्रभु भगवान शिव तेणु ये होचंती से महेश्वर जणे संहारक जणे परम कारुणिक जणे त्रिकालदर्शी रुद्र जणे वीर सूर्यंक भली जणे तेजियान से होचंती से प्रथम तत्व महेश्वर तत्व शिव तत्व जहांको आराधना कले ये मनीष त्रितापरु मुक्त पाइथाय समस्त पाप तार खंडन होइथाय जन्म जनम जन्मांतर कलम समर्थ तार तिरोहित होइथाय। आसंतु वर्तमान यही गुण पशुपतिंकर बा शिवंकर जो गौरव गाथा वर्णना ये अव्याहत रहिब वर्तमान गोटिए छोटिया विरति। विरति परे स्वागत। वेदरे शिवतत्व शिव विभिन्न भावरे तांकर जो रुद्र स्वरूप से जने चिकित्सक जने तेजियान व्यक्ति जने परम कारुणिक व्यक्ति जने क्रांतदर्शी कवि तांकु आशीर्वाद बलरे भक्तर तीनोटी उपकार साधित होइथाय। गोटिए होउछि तार सुदीर्घ जीवन से होउछन्ति स्वयं मृत्युंजय से मृत्यु को जय करिछन्ति तेणु सुदीर्घ जीवन प्राप्ति करिबा पई जो मानकर कामना थाए प्रार्थना थाए से माने शिवंकर शरणापन्न हेले तांकर आयुष वृद्धि होइथाय। एवं द्वितीय रे होची संतान प्राप्ति वेदरे वर्णना करा जायची जो माने शिवंकर स्वरूप रुद्रंकु आराधना करिथांते निसंतान अनपत्य हेले भी सुद्धा से माने संतान लाभ करिथांते। एवं तृतीय होची दारिद्र्यरु मुक्ति जो माने दरिद्र दारिद्र्यर सीमा रेखा तळे अवहेलित सेमाने जदि सेही शिवंकर स्वरूप सेही रुद्र रूप को ध्यान करिथांते वेदरे जेबळी भाबरे ध्यान वर्णना करा जायची ताहले सेमाने मध्य दारिद्र्यरु मुक्त हि परंती। तेणु वेदरे कहा जायची ऋग्वेदरे भूरेर दातारम सप्ततिम भूय दातारम बहुत से दान देई परंती अति आशुतोष भगवान से मृत्युंजय से आयुष दान देई परंती से आरोग्य दान करी परंती से संतान संतति दान करी परंती से ऐश्वर्य मध्य दान करी थांती। एवं आउ थरे मध्य से शिवंकर स्वरूप जे रुद्र तांको अग्नि स्वरूप भाव रे वर्णना करा दैछि। अग्नि एवं रुद्र ए उभय समान बा अग्निर जहा किछे होची उपादेयता ताहा मध्य रुद्रंकर मध्य रहिछि। एवं अग्निर्वैसह देवः ऋग्वेदरे बारंबार कहा जायछि अग्नि सहित रुद्रंकु तुलना करा जाय। अग्नि होची एइभली एक देवता जे कि समस्त प्रकार बानवर समस्त कार्यरे जे उपकार साधन करिथांति अंगति मनीष जहा किछि आमे जो हव्य द्रव्यादितम वस्तु विशेषम स्वस्व देवता समीपम प्रापयति इति अग्नि आमे अग्नि रे जो आहुति देइथाउ अग्नि गोटिए माध्यम भावरे आमे जतेबेले कहु जे शिवाय स्वाहा इदम शिवाय शिवाय रुद्राय स्वाहा इदम रुद्राय विष्णवे स्वाहा इदम विष्णवे से ताकु नहीं अग्नि से ही विष्णुंक पाखरे बा इंद्रंक पाखरे बा शिवंक पाखरे तंकु समर्पण करि देइथांते। रुद्र मध्य ठीक सेही बळी भावरे समस्तंकर उपकारक बिना अग्नि रे ए मनीषर जीवन देवता मानंकर जीवन मध्य जेभली भाव निष्प्रभ हो जाए जेभली जो बंचिबा कठिन हो जाए ठीक से भाव रुद्र आमर समस्त कार्य जातरे से होचंति अत्यंत कल्याणकारक सिद्धिदायक। एवं तापर तांकु मध्य पूर्ण से रुद्र रूपंकु पशुपति भाव पालन पशुपति भाव वंदना करा जायछि। पशुपतिर अर्थ होची पशु पशु पांच प्रकार ऋग्वेदरे पांच प्रकार पशु कहा जायछि तबे मे पंच पशव उक्ता गावो अश्वा पुरुषा अजा वयः अर्थात ए पांच प्रकार पशु भितर मनीष मध्य पुरुष मध्य गोटे पशु कहा जाइछि आहार निद्रा भय मौथिनम च समानमेतत पशु भी नराणाम ये सामान्य ये होची आहार निद्रा भय मैथुनम
ये होची समस्तंक पाखरे पशु पाखरे जेबळी भावरे थाए आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमे तत पशु भेर नराणाम। ये दुईटा जाक नर एवं पशु ये दुईटा जाक समान किंतु धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हि न पशु भी समानः। जे धर्मच्युत हो जाए धर्म छड़ा हो जाए से गोटे होची पशु। तेणु रुद्रंकर कार्य हला पशुन पाती पशु पशुपति अर्थात पति पाती पशु रक्षा करती शिक्षा दिंती अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की बा प्रत्येक पशु को प्रत्येक पुरुष को से धर्म विषय सचेतन कर दे था। धर्म होची धारयती इति धर्म। ये समग्र जगत को ये भूमंडल को ये विश्व ये चतुर्दश ब्रह्मांड को जो सूत्र धारण करके रखि थाए सी होची धर्म। एवं प्रत्येक व्यक्तिर दैनंदिन जहाँ निष्ठार सहित जो कर्तव्य संपादन ताहा धर्म। तेणु समस्त को कर्तव्य पथरे संचालित होगा जो प्रेरणा प्रदायक प्रेरणा प्रदान करिवार कथा ताहा शिवंकर यही जो स्वरूप ये रुद्र ताही करि थांती। एवं समस्तंकु धर्म शिक्षा दे धार्मिक कराई थांती। एवं जतेबेले धर्मर प्रचार हुए धर्म रक्षित हुए सेतेबेले समग्र विश्व सुरक्षित हो जाय थाए। तेणु कहा जाय छी धर्मो रक्षति रक्षितः जतो धर्मः ततो जयः। जे धर्म आचरण करे तार विजय अवसंभावी। एवं ये होची ऋग्वेदरे यजुर्वेदरे जो वर्णना करा जाइछि बारंबार बारंबार जो रुद्र चमक जमक इत्यादि यजुर्वेदरे आसी थाए। नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। अभिषेक आमे करुचु शिवलिंग रे जल देउचु जल रे अभिषेक करुचु दुग्ध रे अभिषेक करुचु विभिन्न द्रव्य रे आमे अभिषेक करुचु। नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय। से होचंती त्र्यंबक से ही महामृत्युंजय यही मंत्र को उच्चारण करी जतेबेले आमे महामृत्युंजय मंत्र को उच्चारण करुचु त्र्यंबकम जजामहे से ही त्र्यंबक को मु परिणिपात करुचि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुखीयमामृतात्। मते से अमृतत्वर बाट देखाई देथान्ते मृत्युर जो बंधन रु मते से मुक्त करि देथान्ते। तेणु ये होची महामृत्युंजय मंत्र यजुर्वेद रे बारंबार कुआ जाइछि जे 108 तर ए मंत्र को प्रतिदिन सोमवार विशेष करी श्रावण मासर सोमवार दिन आकु जदि जप करिबा तार आयुर्वर्धन निश्चित भाव रे हेथाय। एवं से होचंती सेई परम ब्रह्म स्वरूप। एवं वेदरे अथर्व वेदरे ताहा प्रमाणित कर दिया जाइछि। साम वेदरे से जने संगीतमय जने नटराज मूर्ति भावरे मत साम वेद हेउछि संगीतमय वेद गीतिमय वेद। एवं सेठी तांकर सेई नटराज मूर्तिर वर्णना करिबा संगे संगे अथर्व वेदरे से होचंती सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य परम ब्रह्म परात्पर। से होचंती ब्रह्म से सहस्र अक्ष युक्त तेणु तांकु सेठारे सहस्राक्ष कुआ जाइछि अर्थात से होचंती कॉस्मिक कैमेरा से जोठी थांतु पथे से समग्र विश्व को देखि पारंती सहस्र सहस्र कोटि कोटि अक्ष तांक निकटरे रहिछि। केवल तृतीय नेत्र नुए तृतीय नेत्र विस्फारित हो गले यह सहस्र नेत्र रे परिणत हो जाए। तेणु कुआ जाइछि वेदर सर्वश्रेष्ठ निर्जास हेउछि जे तदेकम अभवत से होचु गोटे तत्व थिला तत ललाम अभवत से तत्वटी हूँ सर्वश्रेष्ठ तत्व। एवं तद महत अभवत ताहा हूँ अत्यंत महत्वपूर्ण तद ज्येष्ठम अभवत तत् श्रेष्ठम अभवत तत ब्रह्म अभवत ताही हूँ ब्रह्म तत् तपो अभवत तत सत्यम अभवत तेन प्राजायत ताठारु ए समग्र विश्वर सृष्टि हेछि। तेणु हे भक्त मंडली आज आसंतु से ही परम ब्रह्म स्वरूप प्रभु कल्याणकारी भगवान आशुतोष मृत्युंजय अर्थ नारीश्वर शिवंकर चरण कमल तरे आज प्रणिपात करिबा तांकर महामृत्युंजय मंत्र को आज गान करिबा ए समग्र विश्व को मधुमय एवं अमृतमय सुधामय लोभनीय एवं शोभनीय करिदबा। आज एतिकि पुणि काली से ही शिवतत्व विभिन्न शास्त्र रे पुराण रे किभली भाव रे रहिछि उपनिषद रे किभली भाव रे रहिछि केउ माने ए शिव तत्व को आराधना करिकि बड़ बड़ स्थान पाइचंती ज्ञान रो अवतार हेचंती से विषय रे पुनि आमे आलोचना करिबो। नमस्कार।